अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पे आगाह करते चाहें कि पाकिस्तानों के लिए बहुत बड़ा फैसला किया गया, जो कि वज़ारत दाखिला ने और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हवाले से कन्फर्म कर दिया कि पाकिस्तानों के लिए कब फ़्लाइट बहाल की जा रही है। जो कि आपको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ डेट्स का हवाले से बताया जाता है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा और इस हवाले से आपको क्लियर हो जाएगा कब पाकिस्तानों के लिए फ़्लाइट बहाल की जाएगी। आप किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं, आप यही वीडियो कम्प्लीट देख रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड का बटन सब्सक्राइब का, जितने भी लोग देख रहे हैं वो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट से लेटेस्ट अच्छी से अच्छी खबर हो तो सबसे पहले आप तक लाजमी पहुंच सके। आपको बताते हैं सऊदी वजारत खारजा और इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट के हवाले से जो नई अपडेट आई है, पहले उनकी शराइ थी चाइना की वैक्सीन की, पहले चाइना की वैक्सीन मंजूर नहीं हो रही थी, लेकिन बिलाल अकबर की जो एक अच्छी नसीहत है या एक अच्छा हमारे पे कदम है कि उसने वो चाइना की वैक्सीन भी मंजूर करवा दी है। अब आप चाइना की वैक्सीन लगा के भी सऊदी अरब में जा सकते हैं। लेकिन आपको फ्लाइट के हवाले से अपडेट बताते चाहेंगे, जो अभी फिलहाल फाइनल डेट आ रही है फ्लाइट के हवाले से, वो कंफर्म यही डेट है कि ईद से पहले पहले पाकिस्तानों के लिए फ़्लाइट बहाल होगी। लेकिन इस हवाले से कंफर्म ये नहीं आ रहा। सऊदी वज़ारत खारजा का कहना यही है, जैसे ही आपको अचानक वैक्सीन की खुशखबरी सुनाई, इसी तरह आपको फ़्लाइट के हवाले से भी अचानक खुशखबरी देखने को मिलेगी, जो कि उनके सऊदी गवर्नमेंट के हवाले से नया नोटिफिकेशन यही जारी हुआ है। इसके अलावा कोई भी अच्छी खबर होगी सबसे पहले आप तक लाजमी पहुँचाऊँगा।